हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मुझे ये वॉल वॉच रिसीव हुआ है जिसमें कि बहुत सारे ऐड बने हुए हैं। इस टाइप के वॉच तो मैं रखना प्रेफर नहीं करती हूँ, तो मैं इसे आज ट्रांसफॉर्म करूँगी। आप भी ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने वॉच को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे स्क्रू ड्राइवर लेना पड़ेगा, आप अपने वॉच के स्क्रू के अकॉर्डिंग लें। सो बस आपको ऐसे ही सारे स्क्रू को रिमूव करना है और वॉच के पार्ट्स को आपको बहुत ही केयरफुली अलग रखना है और ग्लास को आपको बहुत अच्छे से रखना है ताकि वो टूटे ना। सो फ्रेंड्स, अब हम बेस बनाएंगे। बेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ओल्ड कैलेंडर के शीट को यूज़ किया है। जैसे कि हमें पता ही होता है कि कैलेंडर के शीट जो होते हैं वो बहुत ही ग्लॉसी और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होते हैं, तो बस मैंने उसे राउंड कट किया है और पेस्ट कर दिया है। तो आप उनको यूज़ कर सकते हो, या तो आप चाहो यहाँ पे तो आप फ्लोरल प्रिंट के जो पेपर्स आते हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। बस इसके बाद मैं हैंड को पेस्ट कर दी और मैं यहाँ बैटरी डाल कर देख लूँगी कि वॉच अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। तो वॉच मेरा काम कर रहा है, तो बस अब मैं एकदम स्टार्टिंग से देख लूँगी कि 12 कहाँ हो रहा है। तो बस वहाँ से मैं स्टिकर लेकर आई थी, तो मैं स्टिकर को यहाँ पे पेस्ट करना शुरू करूँगी। आप भी ऐसे ही करें और पीछे से आपको बस उसे घुमाते जाना है और बस 1, 2, 3 ऐसे करके आपको पेस्ट करते जाना है। इससे आपका मार्किंग बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो बस आपको ये चीज़ करना है। और मैंने ऐसे ही बहुत सारे वॉच को मैंने ऐसे ट्रांसफॉर्म किया है, तो आप भी ये कर सकते हो। और आप अपने रूम के अगर कलर चेंज कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने वॉच को न्यू मेकओवर दे सकते हो और आपको ऐसा लगेगा कि आपने न्यू वॉच ख़रीदा हुआ है। ठीक है, तो बस आपको बस वापस से इसके फ्रेम को रख कर और आपको स्क्रू को टाइट कर देना है। बस आप टाइट कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद आपका वॉच बिल्कुल रेडी है। सो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, बेनिफिशियल रही हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आप देख सकते हो फाइनल लुक। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।